आई थिंक यू ऑल डिजर्व टू नो कि लास्ट 6 महीने से क्यों व्लॉग्स नहीं आया। तो बेसिकली मैं सोचा था कि जनवरी फरवरी में मैं जब वाराणसी में रहूँगा तो बहुत सारे वीडियोज़ डालूंगा, लेकिन क्या हुआ, मैंने शूट भी किया था, 4-5-6 वीडियो शूट किए थे, लेकिन 3-4 वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसमें मेरा पैसा बर्बाद हुआ, टाइम बर्बाद हुआ, डीमोटिवेशन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हुआ। ऊपर से मेरा जो मोहन मॉल का जो व्लॉग था उसमें एक दिन में मैंने 1500 व्यूज़ आ गए थे उसके, लेकिन फिर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गया उनके बीच में, मतलब आपसी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे अपना वीडियो प्राइवेट करना पड़ा था। तो वो भी बहुत एक ख़राब चीज़ लगा था, वो तो आराम से 4-5K व्यूज़ चलाया था, बट क्या करें, किस्मत ख़राब थी। इतना सब कुछ के बाद तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मतलब अंशुमन ने बहुत हेल्प किया था, तो फिर हमने दोबारा दो वीडियो शूट किए थे, एक 80 घाट का जो अभी आप देखने वाले हो, और दूसरा मैंने हेयर केराटिन कराया था तो उसका भी। तो वो अगर देखना है तो बताना, वो अगर आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ देखना है तो ही मैं डालूंगा, क्योंकि वो थोड़ा तो डिफरेंट है। और ये तो क्या जनवरी फरवरी की बात, फिर हार्ट टूट गया था मार्च में और उसको रिकवर होने में 2 महीना और लग गया, और तब तक लॉकडाउन चालू हो गया था। तो आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू वेट। फिर अभी जाके जुलाई में मैं ये एडिट कर रहा हूँ और ये मैं डालूंगा जुलाई में ही, और भी मैंने एक आध ब्लॉग शूट करना चालू कर दिया है, तो वो भी आएंगे अभी, और मैं वीडियो डालूंगा। तो प्लीज़ थोड़ा शेयर वेयर कर दो अभी, क्योंकि बहुत दिन बाद डाल रहा हूँ, एल्गोरिदम मेरा वीडियो शायद आप में से आधे लोगों तक पहुँचा ही ना, तो प्लीज़ शेयर वेयर करना जिधर भी पॉसिबल हो, मेरे लिए बहुत हेल्प होगा। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो पर चलते हैं। हम लोग थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गए थे कि क्या फायदा, 2 व्लॉग्स लगातार ऐसे हो गया, तो जैसे क्या यार करते हैं। बाय द वे हैप्पी वसंत पंचमी एंड सरस्वती पूजा, आज हमने पूरा दिन कुछ नहीं किया, जस्ट इट्स लाइक एनी अदर डे। हमने सोचा चलो काशी कैफे जाया जाए, चाय वाय पिया जाए, अभी जाने वाले हैं। यहाँ सीक्रेट रोड है, इधर से हम लोग जाते हैं फॉर द शॉर्टकट, सेक्सी शॉर्टकट वेब्स। मैंने भी जा रहा है 80 काशी कैफ़े में चाय पीने, क्योंकि लास्ट हम 2 बार जा चुके हैं तब दुकान बंद था। सो यस, आई होप आज हम लोग लकी रहें और हमको चाय मिल जाए। तो गाइस वी आर फाइनली एट 80। रिक्शा विक्शा मिलने में तो वैसे ही दिक्कत होती है बहुत, फॉर्चुनेटली अभी काशी कैफ़े खुला है, बहुत मस्त लाइट, भाई लाइट बहुत मस्त है अभी। तो काशी कैफे चलते हैं और सिनेमैटिक शॉट्स देख लो, तब तक चाय वाय ऑर्डर देते हैं। चलो बहुत सारे दिन घूमने के बाद फाइनली हम लोगों को काशी कैफे का चाय मिल गया। आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है इधर, विच इज़ वेरी मच फैसिनेटिंग, क्योंकि इधर बहुत ही भीड़ रहता है। और इधर 12 रुपये में आपको चाय मिल जाएगी, ये जो इतना सा कप है। मैं चाय स्पेशलिस्ट हूँ नहीं, वो अंशुमन है, और अंशुमन कह रहा है कि बहुत अच्छा है, सो अच्छा ही होगा। मेरे माइक का तार 4 लोगों से टकराया फिलहाल, अभी और होगा ऐसा कुछ, देखते हैं। कंपेरेटिवली आज भीड़ थोड़ा कम है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा रहता है कुछ कुछ दिन, बट ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो जो पीछे वाला है दैट इज द अदर एंट्रेंस जिससे आप आ सकते हो, सबको पता है। जो पीछे जो सीढ़ी है और ऊपर 80 घाट लिखा है, बहुत ही फेमस है, तो सबको पता है, बट स्टिल जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। और देखते हैं क्या कर सकते हैं कुछ। आज इधर बहुत ज़्यादा हैपनिंग चीज़ें हो रही हैं, कि सरस्वती पूजा है, सभी लोग सज सज के आए हैं, बट हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और भाई पहाड़ भी है पहाड़। तो गाइस अगर आपको 80 घाट पे ऐसा कुछ ऐसा जगह मिले जो थोड़ा एलिवेटेड है, तो जैसे देख लो कि हम बहुत ही ऊंचे जगह पे खड़े हैं, नीचे बहुत ही नीचे है, ये बहुत ही हाइट पे है। अगर ऐसा कुछ जगह आपको मिले तो कोशिश करना है ऐसे जगह पे बैठो, क्योंकि नीचे से उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप ऊपर चढ़ के बैठोगे तो मज़ा आएगा। पॉसिबल हो तो ऊपर चढ़ के बैठ जाना,
अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन ज़्यादा जगह से बंद होता है या फिर रेस्टोरेंट होता है या कुछ होता है तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कहीं भी मिले चढ़ के बैठ जाओ, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस पहले ही बता दो, अस्सी घाट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप एडवेंचर पार्क या ऐसा कुछ वाला फील ले लोगे, दिस इज जस्ट अनदर घाट, ठीक है। अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हो, कुछ प्लान है कि हाँ बकचोदी करोगे, घूमोगे फिरोगे, तो फिर ठीक है, लेकिन हम जैसे दो लोग मिलके आ रहे हो तो आई डोंट थिंक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप आरती वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हो तो, या फिर आपको पिज़्ज़ेरिया में नहीं खाना तो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इधर आके कुछ प्लान बना लोगे, पहले से प्लान बना के आना। हम लोग तो ऐसे ही आ गए कि हाँ यार काशी कैफे में चाय पीने का बहुत मन हो रहा था, भैया चाय मिल भी नहीं रही थी, पहले दो दिन आके घूम चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग आ गए, सोचा कि चलो उससे भी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं ऐसे। बट आप लोग प्लीज़ प्लान बना के आना, और अगर आपको आरती देखना पसंद है तो फिर तो सॉर्टेड है, थोड़ा जल्दी आना फिर। और फिलहाल कुछ करने का तो है नहीं, मैगी वैगी मिलता है ओवर प्राइस्ड, 35 रुपये का मिलता है, इतू सा देगा 5 रुपये, 10 रुपये का पैकेट। सो आई डोंट थिंक मैं तो नहीं खाने वाला, क्योंकि हम लोग घर पे बना के खा लेंगे ब्रो। और बस यही है, अभी फिलहाल तो कुछ और करने का है नहीं। हम लोग सोच रहे हैं सिगरा जाएँ, मुझे एक्चुअली ईयर सेट लेना था, मेरा ईयर सेट खो चुका है, और इसको फिंगर रिंग लेना है, सो या चलेंगे। और उसके बाद मुझे अपना गिटार भी लेना है, मैंने तो रिपेयर करने के लिए जाया था, उसके बाद घर जाएंगे, देखते हैं कितना क्या दिखा पाएँ। सो तो वेयर एट सिगरा, सिगरा तिराहा के उधर है, पीछे ही इधर बर्गर किंग है, इसके बाजू में डोमिनोज, मैकडोनल्ड, और थोड़ा आगे जाके KFC है, तो ये प्राइम हब बोल सकते हैं। इधर इधर IP सिगरा करके शॉपिंग मॉल है, जो लोग बानी से बाहर से देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो इधर एक दुकान है छोटा मॉल करके, उधर आपको पियर्सिंग का, फिर ये फ़ोन वगैरह का सब कुछ मिल जाएगा, इवन स्टाइलिंग वगैरह का, टैटू वगैरह सब कुछ होता है इधर। तो इधर मैं आया हूँ, मुझे ईयर सेट लेना है, उसको फिंगर रिंग लेना है। वहीं से सुबह से हम लोग निकले थे, वही दिन था काइंड ऑफ ये बस सफर करने में फायदा, सुन और यादगार रहता है, परफेक्ट। सुन जैसे उसने कहा ना, फ्री है मेरी तरफ से पार्टी, खाना पीना। ईयर सेट डिजाइनर, फिर उधर ये चेंज वगैरह हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपकी सही दुकान है, कैप से लेके चेंज से लेके ये डॉग टैग वगैरह, मतलब जो जो मैं जो चीज़ें पसंद करता हूँ, मतलब स्टाइलिंग वगैरह के लिए, एक्सेसरीज एंड ऑल, ये सब कपल्स वगैरह के लिए, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो दिस अ ग्रेट शॉप, जिनको नहीं पता प्लीज़ आके चेकआउट कर लेना। ये वाला पसंद आया सोफ़ा, दिस इज़ दिस वन, मिनिमलिस्टिक ब्लैक है, तो आई गेस ये मुझे पसंद आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ओवर द टॉप मुझे पसंद नहीं है, तो सिंपल ब्लैक ये वाला मुझे अच्छा लगा। और कुछ अच्छा लगे तो देखते हैं, और एक बार आप पहन लो आपको वो ख़रीदना पड़ता है, इसीलिए मैं पहन नहीं रहा पहले, आई एम जस्ट यू नो चेकिंग आउट कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, उसके बाद मैं पहन के ट्राई करूँगा, फिर देखूँगा कैसे जा रहा है। सही है, तो बस ये एक फाइनल किया है, दूसरा कुछ देखते हैं अच्छा मिलता है तो, ये तो अभी मैं पहनने वाला हूँ फॉर श्योर, और दूसरा कुछ अगर मिलता है मैं थोड़ा डिफरेंट में थोड़ा देखना चाहता हूँ, अगर मिल जाए तो ले लेंगे। एक्चुअली मैंने आउटर बाहर शूट किया था, तब माइक का थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मुझे दोबारा घर आकर शूट करना पड़ा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे भी और व्लॉग्स आएंगे धीरे धीरे, प्लीज़ शेयर वेयर कर दो, थोड़ा प्यार दिखा दो, क्योंकि लास्ट सारे व्लॉग्स में तो इतना प्रॉब्लम हो गया। तो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्लेइंग एंड बी बैलेंस्ड।